2017 के बाद से सरकार ने समय समय पर जो कार्य प्रारंभ किए, अपनी परंपरागत उत्पाद को, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की उस हुनर को न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर एक मंच प्रदान करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से, इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उत्पाद को शोकेसिंग करने का भी एक अवसर इस दौरान हम सबको प्राप्त हुआ। और इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज अनेक ऐसे कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ होने जा रहे हैं जिनको लेकर के इस दिन की महत्व को हम समझ सकते हैं। एमएसएमई उद्यमियों को बैंक से लोन उपलब्ध कराने के लिए एसएलबीसी की मदद से हमारे बैंकर्स यहां पे आए हैं, इनके समन्वयक यहां पर उपस्थित हैं, और इसमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की सुविधा एक बार फिर से यहां पर उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्राप्त होने जा रही है। रैंप की एक योजना हमने पहले चरण में यहां पर जो कार्य प्रारंभ किया कि जो बंद हो रही एमएसएमई इकाइयां थी उसको प्रोत्साहन करने का काम किया, उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उनको फैसिलिटेट किया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के, नेक्स्ट लेवल के स्तर पर पहुंचाने के लिए इससे आगे क्या, वहां पर आज भारत सरकार की मदद से रैंप की इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी एमएसएमई उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं।